राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इस कार्यक्रम के आयोजक रौनक एजेंसी सागर, खुशी की मिठास मिल्क मैजिक के साथ आधुनिक मशीनों से निर्मित शुद्ध मावा एवं अन्य उत्पाद। हमारा पता है नमक मंडी कीर्ति स्तंभ के पास सागर मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 88 17 40 49 96 76 93 08 67 01। शहर की सबसे प्राचीन शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह की तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां भीतर बाजार के देव गौरी मंदिर में स्थापित मां गौरी को हल्दी की रस्म अदा करते हुए श्रद्धालु भक्तों ने विवाह मंडप के नीचे कई आयोजन किए। महाशिवरात्रि पर्व की धूम वैसे तो हर शिव मंदिर में देखी जा सकती है, पर इस मायने में भीतर बाजार स्थित देव गौरी मंदिर की छटा इस पर्व पर सबसे अनोखी होती है, जहाँ भगवान के विवाह की पूर्व की सारी रस्मों को पूरी उत्साह और श्रद्धा भाव से श्रद्धालु भक्त संपन्न कराते हैं। इसी कड़ी में कल यहां भगवान शंकर की बारात मां पार्वती से विवाह करने का गठजोड़ करने आएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और मंदिर को आकर्षित सज्जा से सुशोभित किया गया है। बारात का आगमन करने वधु पक्ष तैयार है, जिसके तहत आज मंडप के नीचे मां पार्वती को हल्दी की रस्म अदा की गई। साथ ही मंडप के नीचे बुंदेलखंड की परंपरा के अंतर्गत पंगत का आयोजन भी हुआ, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्सव का आनंद उठाया। सुबह भगवान के अभिषेक उपरांत मेहंदी लगाई जाएगी और उनका श्रृंगार किया जाएगा, जिसके बाद देर रात भोले बाबा की बारात आने के बाद विवाह की रस्म अदा होगी और माँ पार्वती को भोलेनाथ से गठजोड़ होगा। इस आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में खासा उत्साह दिखाई दिया। श्रीमती गायत्री गुप्ता नाम है। हम सब यहाँ बहनें एकत्रित हुई हैं। हमारे गौरी शंकर भगवान हमारे गौरव मैया हैं, जो उनका शुभ विवाह है कल 11 तारीख को। इसके उपलक्ष में आज हम लोग हल्दी का कार्यक्रम रखा है, जो हम सब बहनों ने, हमारे भाइयों ने, पंडित जी हमारे जो पंडित जी श्रवण मिश्रा जी, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। हम सब बहनों ने उपलक्ष में, मतलब आज के उपलक्ष में बहुत बढ़िया बधाई गीत गाए, जो बन्ना बन्नी होते वो भी गाए, हल्दी का खूब अच्छा उत्साह मनाया। मंदिर में करीब कितने साल से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है मंदिर? ये तो लगभग पता नहीं, मेरे मतलब बहुत पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग भी करते थे, तो उनको देख के हम लोग भी करने लगे, हम लोग के मन में भी उत्साह आया, तो हम लोग भी ये मतलब कार्यक्रम मनाने लगे। तो कितने दिन पहले से इस कार्यक्रम को आप लोग करने लगते हैं? ये तो हमारे यहाँ मंदिर में कम से कम 5-6 महीने से ये कार्यक्रम, यहाँ मंदिर की शोभा चल रही है, तैयारी की जाती है, रंग रोगन किया जाता है, पूरे मंदिर में फुलवारियाँ वगैरह लगाई जाती हैं। ये सब हमारे 4-5 महीने से कार्यक्रम। यहाँ से जो बारात का कार्यक्रम रहेगा वो कहाँ से किस जगह जाता है? कहाँ ये हमारा कार्यक्रम तिलकगंज गला मंडी से उठती है, वहाँ से बारात। ये हमारा गौरमैया का मतलब घर है, ये परिवार है हमारा गौरमैया, जो हमारी ये मायका है उनका। तो तिलक गल्ला मंडी में जो भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ से बारात उठकर और मच्छरियाई से उठकर वहाँ से यहाँ आती है हमारी गौरमैया की, यहाँ बारात लगती है। हम लोग सब उत्साह से बारात में शामिल होते हैं, सभी बहनें बहुत भीड़ भाड़ धूमधाम से यहाँ पर। तो कल यहाँ पे शादी का कार्यक्रम ये शादी का कार्यक्रम होगा कल यहाँ से। हम लोग सुबह से मतलब तो रात भर अभिषेक चालू रहेगा इनका, सुबह से भक्तजनों का बहुत मतलब उत्साह रहता है, अभिषेक वगैरह कराना, जल अर्पित करना, उनको अपनी जो मनोकामना है उनसे मांगना, वो भगवान पूरी करते हैं सभी की मनोकामना। फिर शाम को यहाँ बारात आती, बहुत भीड़ भाड़ लगती, बहुत धूमधाम से यहाँ बारात का कार्यक्रम लगा है। फिर रात में यहाँ पे शादी का कार्यक्रम, हमारे जो पंडित जतमान लोग सब बैठ के यहाँ पे शादी वगैरह होती है, हमारे श्रवण पंडित जी मिश्रा जी गुरु जी हैं, वो यहाँ पर कार्यक्रम करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल्दी का प्रोग्राम चालू हो गया है। आज से देवी जी को हल्दी चढ़ेगी, उसके बाद भोग, मतलब जो अपने यहाँ मंडप में सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं, आज सब लोग भोग अर्पण करेंगे। फिर उसके बाद कल सुबह से अभिषेक भगवान जी का होगा, फिर उसके बाद मेहंदी लगती है भगवान जी को, देवी मैया मेहंदी लगाएंगी, फिर पूरी तैयार होती है। रात में बड़े बाजार से यहाँ पर आती है बारात, यहाँ से बारात, यहाँ पर उनका गठबंधन होता है,
पार्वती जी शंकर जी बारात कल से रात्रि है तो कल अगर कार्यक्रम की बात करें तो कल कितने बजे से कार्यक्रम है आपके मॉर्निंग में? सुबह से ही अभिषेक चालू हो जाता है। रात में जब बारात लेके शंकर जी आते हैं यहाँ पर तो गौरा जी का गठबंधन होता है शंकर जी के साथ। शंकर जी यहाँ गांठ बांधते हैं, फिर रात भर उनका फेरे होते हैं, सब कुछ होता है। सुबह विदाई होती है, जिस प्रकार शादी होती वैसे ही पूरा होता है यहाँ। उसके बाद पंडितों का खाना, सुबह दशवानी का कार्यक्रम होता है। दशवानी को आप लोग किस रूप से मनाते हैं? सुहागलों के रूप में। दशवानी मतलब वो कल ही होगा जब विदाई हो जाती है। उसके बाद पंडितों का खाना, जितने जन यहाँ पर काम करते सभी को यहाँ पर खाना खिलाया जाता। उसके बाद सुहागले होते हैं, देवी मैया की सुहागले, सभी सुहागने यहाँ पर सब लोग मिलकर एक साथ, कोई एक जन नहीं, सभी मिलकर यहाँ पर सुहागले। और ये अति प्राचीन है, सागर नगर का अति प्रसिद्ध और अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पिछले 100 वर्षों से भगवान शंकर की बारात गल्ला मंडी से मार्कंडेश्वर महादेव के मंदिर से पधारती है और यहाँ पर द्वारचास पूजन, रात्रि में विवाह महोत्सव और उसकी रस्में जो है लगभग पहले ही से, जैसे फाल्गुन का प्रारंभ होता है रस्में प्रारंभ हो जाती हैं। और आज भगवान के दरबार में मंडप डला हुआ है तो मंडप की जो कच्ची पंगत की बुंदेलखंड में परंपरा है, कड़ी भात चावल, वही पंगत अभी चल रही है वर्तमान में। आप लोगों ने अभी देखा होगा भगवान का हल्दी बंधन किया गया, हल्दी चढ़ाई गई, उसके उपरांत में अभी कड़ी की पंगत जो चल रही है, कच्ची पंगत जिसको बोलते हैं, वो चल रही है। और संध्या काल में भगवान का स्नान होगा। जो मुख्य दरबार के पट हैं वो आज शाम को बंद हो जाएंगे और कल शाम को 5 बजे खुलेंगे। शिवलिंग पर पूजन होता रहेगा, प्रति जो प्रतिमा है उसका पूजन कल शाम से, उनका आज रात भर श्रृंगार होगा, कल दिन भर श्रृंगार होगा, झूला बनेंगे, फिर कल शाम को 5 बजे पट खुलेंगे। इसका पहले तो अपने यहाँ की प्रतिमा है जो जलेली में मार्कंडे मुनि लिपटे हुए हैं और जलेली से शंकर जी प्रकट हुए हैं। ये है कि इनकी बाल आयु थी मार्कंडेश्वर की मुनि की 12 वर्ष की, तो 12 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु होनी ही थी, लेकिन वो शिव जी के भक्त थे, वो शिव जी की पूजा करते रहे। जब अल्पायु का उनका समय आया तो वो जान के जलेली से लिपट गए और वही प्रतिमा में दृश्य लिपटे हुए। जब जलेली में लिपटे हुए यमराज जी आ गए उनको लेने, तो जब जलेली में लिपटे हुए तो शंकर जी उसमें से प्रकट हुए और सीधा उन्होंने त्रिशूल लिया और हमें ये हमारा भक्त है। कितने साल पुराना मंदिर होगा? ये 100 साल से ऊपर का है, मतलब यहाँ का जो शिव जी का विवाह है वो 95 साल है। 95 वर्ष तो यहाँ पे जो बारात निकलते हो चुका है। ये बारात कहाँ से कहाँ तक जाती है? यहाँ अपने मार्कंडेश्वरी देव मार्कंडेश्वर मंदिर से उठकर और अपने माडल हाई स्कूल में नागेश्वर मंदिर में विवाह की पूरी पूरे शहर में पूरा संपन्न होता है विवाह का, पूरे शहर में घूमते हुए ज्यादा तो पूरे शहर में से है होती, लेकिन मॉडल स्कूल में पूरे विवाह के कार्यक्रम होते हैं। सबसे पहली सागर की बारात है, इसके बाद से तकरीबन 6-7 बारात।